गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोना। पिछले दो वीडियो में हमने स्पीच या जो कथन था उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन की है, उसके बारे में जाना है। पिछला जो इससे पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने देखा कि जो रिपोर्टेड स्पीच है आरएस, जो कि इन्वर्टेड कोमाज के अंदर होता है, उसके अंदर प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं, प्रोनाउंस को कैसे चेंज किया जाता है, उसके बारे में इससे पीछे वाले वीडियो में हमने इंफॉर्मेशन देखी थी। आज हम जो इसका सेकेंड चेंज है, मैक्सिमम थ्री चेंजेज होते हैं। सेकेंड जो चेंज है वो है चेंजेज इन टेंसेज। इसके बारे में हम आज इंफॉर्मेशन प्राप्त करने वाले हैं। टेंस में किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिया गया है उसके अंदर किस तरह से हमें बदलाव करने हैं। पहली बात तो यही देखनी है हमें, रिपोर्टिंग वर्ब मींस, आपको याद होगा जो हमने एक चेंज जो किया हमने था, एक चेंज किया था रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मींस वो सेंटेंस जो कोमा से पहले है, उसके अंदर एक वर्ब दी हुई थी और उस वर्ब को जो हमें दी गई है उसको हमें यदि ऑब्जेक्ट है तो चेंज करना है टेल में, टेल्स में, टोल्ड में या फिर सेल विल टेल में। ये हमने स्पीच के पहले वीडियो में देखा था। अब यदि वो जो वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब जिसे हम कह रहे हैं या कोमा से पहले वाले सेंटेंस में जो वर्ब है वो यदि प्रेजेंट और फ्यूचर मींस या तो वर्तमान की है या फिर भविष्य की है, भविष्य काल वर्तमान काल जो भी, तो इन दोनों की यदि वो रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, ओनली टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। टेंस मतलब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, तो वो दोनों चेंज नहीं होंगी यदि रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर की कैसे हो सकती है, या तो वहां पे से हो या फिर सेज हो या फिर सेल विल प्लस से हो, तो ये प्रेजेंट की हो गई, ये फ्यूचर की हो गई। ये यदि दे रखे हैं वहां पे तो फिर हमें रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कोमा वाले सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं ओनली करना है। टेंस टेंस चेंज नहीं करना है यदि उसके अंदर हमें ऐसा कोई वर्ड दिया गया है जो टाइम और प्लेस को या डिस्टेंस को नियरनेस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर उसे हम अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। यदि उसके अंदर कोई प्रोनाउन है तो उसको भी अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जैसा कि हमने इससे पीछे वाले वीडियो में देखा, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, ठीक है। लेकिन यदि ये वर्ब हमें रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में दे रखी है तो फिर हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है। टेंस का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो कब चेंज नहीं करना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो या तो प्रेजेंट की हो, वर्तमान काल की हो या फिर फ्यूचर की हो, भविष्य काल की हो, तब हमें चेंज नहीं करना। ओके, फिर चेंज कब करते हैं? चेंज करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की हो। पास्ट किससे मतलब क्या है? जब रिपोर्टिंग वर्ब हमें क्या दे रखी हो, जब सैड दे रिपोर्टिंग वर्ब हमें सेड दी हुई होगी, तो ये से का सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म मींस पास्ट टेंस हो गया। और ये जो सेड है ये जब हमें एज ए रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगा डायरेक्ट के सेंटेंस में, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय रिपोर्टेड स्पीच जो है इसका हम टेंस बदलेंगे। टेंस बदलेंगे मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को चेंज करके लिखेंगे। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है कि सेड भी है रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो भी पास्ट है, लेकिन कई बार
कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं, अपवाद ऐसे हैं, कुछ ऐसे प्रकार के सेंटेंसेज हैं जो कि सैड होने के बाद में भी उनका टेंस नहीं बदला जाता है। वो हम इस आगे आगे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन इसके बारे में जानेंगे तब वो आपको बताया जाएगा कि कौन से सेंटेंस होने पे उस रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो सैड के होने के बावजूद भी चेंज नहीं किया जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, तब तक हम ये देख लेते हैं कि जब सैड होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस तरह से चेंज किया जाता है। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए। हाँ, तो बस हम ये देख रहे थे कि आरएस में किस तरह से टेंस चेंज होगा। टेंस तभी चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किसकी होगी, पास्ट की होगी। रिपोर्टिंग वर्ब किसकी होगी, पास्ट की होगी, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम बदलेंगे। कैसे बदलेंगे उसके लिए अब देखना है। जैसे अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेंस, टेंस तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, ये कहाँ मिलेगा हमें, डायरेक्ट स्पीच में मिलेगा। और इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है फिर इसको, तो यदि हमारे पास में सिंपल प्रेजेंट टेंस यहां रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है तो जब हम यहाँ पे इस सेंटेंस को देखेंगे तो किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसा कि मैं बोलता हूं अक्सर कि किसी टेंस को चेंज करने के लिए पहले वो टेंस का आइडेंटिफिकेशन तो हमें पता हो कि वो जो सेंटेंस हम देखेंगे तो फिर कैसे पहचान पाएंगे कि जो गिवन सेंटेंस है वो सच एंड सच टेंस का है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एस और ई एस इन द मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, यही होता है। तो यदि जो हमें रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस दिया हुआ है उसमें या तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर उसके अंदर एस और ईएस जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही हम जैसे इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाएंगे तो वो जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जिसको अपन कहते हैं सिंपल पास्ट। अब इससे आपको एक देखने को बात मिल रही होगी कि जब स्पीकर ने कोई बात कही थी वो उस समय प्रेजेंट में थी, लेकिन जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है तो क्योंकि वो बात वो पहले बोल चुका है, पास्ट में बोली गई बात है, तो फिर उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, सिंपल पास्ट में चेंज कर देते हैं। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस एस और ई एस वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाता है। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट चेंज के करते कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, और पास्ट के कंटिन्यूअस में दो हेल्पिंग वर्ब आती हैं, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मींस इन हेल्पिंग वर्ब को इन हेल्पिंग वर्ब से रिप्लेस कर देंगे मेन वर्ब, दोनों के अंदर सेम टू सेम मेन वर्ब ये की यही रहनी है, केवल हेल्पिंग वर्ब को हमें चेंज करना है जब इनडायरेक्ट स्पीच में उस सेंटेंस को हम ले जा रहे हैं पहचानने के लिए हमारे पास में ये हेल्पिंग वर्ब है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है जिसको हमें पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, अब प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो हैव और उनके साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, यही होता है। अब इसको हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, एक हेड हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब इसमें भी आप देख रहे हैं मेन वर्ब दोनों में सेम है, केवल हमें क्या चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है केवल। अब फोर्थ इसका पार्ट प्रेजेंट का बचा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसकी क्या पहचान होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस का, यदि आपने टेंस वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि परफेक्ट की तो हेल्पिंग वर्ब होती है, कंटिन्यूअस की मेन वर्ब होती है।
यही इसकी पहचान होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ये रही हैज हैव। कंटिन्यूअस में मेन वर्ब कौन सी काम में आती है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और इन दोनों को बीच में से अलग अलग रखने के लिए जिससे कि लड़ाई नहीं हो एक वर्ड जोड़ा जाता है वो होता है बीन। इसको हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और इसमें परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके साथ में बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये प्रेजेंट के चार पार्ट, ये इनडायरेक्ट स्पीच में जिन टेंसेज में इनको चेंज किया जाता है वो, और इन चारों को देखकर आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट टेंस जो है इसके चारों जो सब पार्ट हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट के चारों सब पार्ट में उनके इक्विवेलेंट टेंस में चेंज कर दिया जाता है, जो उसके बराबर वाले या सेम जो पार्ट हैं पास्ट के उन्हीं के अंदर चेंज किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये तरीका है टेंस को चेंज करने का रिपोर्टेड स्पीच में। लेकिन अभी कहानी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, 12 पार्ट होते हैं, 12 पार्ट है टेंस के, अभी हमने केवल 4 को चेंज करके देखा है, बाकी को चेंज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको समझिए, ध्यान से जो भी चीजें बताई हैं, जो भी बातें बताई हैं उनको सुनिए, स्क्रीनशॉट देखिए, और लाइक कीजिए, शेयर मस्ट है। शेयर जितना ज़्यादा करेंगे उतने ही ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड इवनिंग, बाय।